Are you an MBA aspirant and looking for every single information related to MBA? So what are you waiting for? Subscribe to the channel now and press the bell icon right next to it. Hi and welcome to Student Khabri. This is Arshi Khan. Another video with me जहाँ पे मैं top 10 best ROI colleges in Gujarat को cover करने वाली हूँ. बहुत सारे students के calls आ रहे हैं जो कॉलेजेस के बारे में जानना चाहते हैं गुजरात के अंदर. कोई पारुल यूनिवर्सिटी के बारे में पूछता है, कोई गणपत के बारे में पूछता है, कोई अमरावती के बारे में पूछता है, कोई निर्मा के बारे में पूछता है, कोई मायका के बारे में पूछता है. तो वो तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है. एंड दैट इज़ द रीज़न यू नो लाइक मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगी कि 10 ROI के लिए बेस्ट कॉलेजेस कौन से हैं गुजरात के अंदर. सबसे पहले तो यू नो ऑब्वियसली IIMA अहमदाबाद. अगर हम गुजरात की बात कर रहे हैं तो ये तो क्यों नहीं आएगा कॉलेज, बिकॉज यार ये नंबर 1 नंबर 2 पे रैंक करता है. बट यहाँ पे एडमिशन बहुत मुश्किल से मिलता है. तो आप ये सोच रहे होंगे कि मैम यार ये आप क्या कॉलेजेस बता रहे हो, फर्स्ट पोजीशन पे आपने ला के रख दिया. बट मेरा 99.99 वो कैट में, तब तो मैं जाऊँ. तो बट स्टिल यार टॉप अगर बेस्ट ROI की बात हो रही है तो उसको मुझे रखना पड़ेगा वरना तोहीन हो जाएगी यू नो लिस्ट की. तो सबसे पहला कॉलेज है अगेन IIMA अहमदाबाद. अगर हम इसके अलावा दूसरे कॉलेज की बात करें, अगर इसका कैट के बेसिस पे ये इनरोल करता है, आप एवरेज प्लेसमेंट जो जाते हैं कॉलेजेस के वो मेरे हिसाब से 20-22-25 लाख के आसपास के जाते हैं. एंड उसके बाद GDPI होता है और इसमें एडमिशन बहुत डिफिकल्ट होता है. तो ये हो गया फर्स्ट कॉलेज. अब बात करें हम दूसरा कौन सा कॉलेज आता है अगर हम बात करें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉस्पेक्ट से. जो नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन है दैट इज़ निर्मा यूनिवर्सिटी. इनका जो कॉलेज है इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो कि निर्मा यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, ये सेकेंड रैंक पे आता है व्हेन इट कम्स टू MBA. यहाँ भी एडमिशन इतना आसान से नहीं होता है. 75-80 के आसपास होना चाहिए कैट में. देन आप GDPI के लिए जाते हो, आपको इनका फॉर्म भरना पड़ता है एंड उस बेसिस पे एडमिशन होता है. अगेन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मेरे परसेंटाइल के हिसाब से मैं कौन सा कॉलेज टारगेट करूँ तो नीचे नंबर एक दिया है 9114000222 जिस पर जाके कॉल करना है, व्हाट्सएप करना है, मैसेज करना है एंड वील गेट बैक टू यू. उसके अलावा अब एक और चीज़ की यू नो ये कॉलेज क्यों इतने नोन हैं, बिकॉज ऑब्वियसली इनके प्लेसमेंट्स काफ़ी अच्छे हैं, इनमें एडमिशन डिफ़िकल्ट नहीं काफ़ी डिफ़िकल्ट है. सो ये हो गए दो कॉलेजेस. अब हम थर्ड पोजीशन पे कौन सा कॉलेज आता है ये आपको मुझे गैस करके बताना है. आई थिंक आप गैस नहीं कर पा रहे हो तो मैं ही बता देती हूँ. जो थर्ड पोजीशन पे कॉलेज आता है दैट इज़ MICA अहमदाबाद. अगर आप कम्युनिकेशन एंड इन सब कोर्सेज में MBA करना चाहते हैं तो आई थिंक दिस इज़ लाइक अ ड्रीम कम ट्रू सॉर्ट ऑफ अ कॉलेज. ये कैट के साथ साथ MICAT का भी एग्जाम देता है. मैं अगेन आपको बता रही हूँ इन सभी कॉलेजेस पे मैंने इंडिविजुअल वीडियो बनाए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हो अगर आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए. 75 कैट में होना चाहिए. उसके अलावा आप यू नो MICAT में स्कोर करके GDPI के बेसिस पे आप इसमें भी जा सकते हैं. इसमें भी एडमिशन इतना आसानी नहीं होता. भले 75 पे ये एक्सेप्ट कर लेता है बट GDPI में आपको बहुत बुरी तरह से परफॉर्म करना पड़ता है. बहुत बुरी तरह से नहीं, बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म करना पड़ता है तो ये आपको एडमिशन मिलता है. तो ये थर्ड पोजीशन पे कॉलेज आता है. अब बात करें फोर्थ पोजीशन पे कौन सा कॉलेज है. फोर्थ पोजीशन पे जो कॉलेज आता है उसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट दैट इज़ IRMA. ये कॉलेज रूरल मैनेजमेंट के लिए तो नोन है, बाकी आप दूसरे कोर्सेज के लिए भी इसको देख सकते हैं. अगर हम गुजरात में बात कर रहे हैं तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस व्हेन इट कम्स टू MBA एंड PGDM. रिटर्न इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छा है. बट आपके दिमाग में अभी भी यही सवाल हो रहा होगा मैम इन सब में एडमिशन इतना आसानी से नहीं मिलता है तो मैं क्या करूँ, मैं कौन से कॉलेजेस में जाऊँ. तो फिक्र मत करो, और भी लिस्ट में कॉलेजेस अभी 6 और कॉलेजेस बचे हैं जिनको मैं आपको बताने वाली हूँ एंड आई एम 100% श्योर कि वो आपको आपके परसेंटाइल के बेसिस पे ज़रूर मिल जाएंगे. बाकी कोई हेल्प चाहिए तो आप नीचे जाके पूछ ही सकते हो. इसमें भी जो है वो आप कैट IRMA SAT का जो एग्ज़ाम होता है आप उस बेसिस पे देख सकते हो. 7-7.5 लाख के आसपास का फीस होता है और प्लेसमेंट्स भी काफ़ी अच्छे होते हैं. अब हम बात करते हैं फिफ्थ इंस्टीट्यूशन की. जो फिफ्थ पोजीशन पे कॉलेज आता है उसका नाम है नारायणा बिजनेस स्कूल जो कि अहमदाबाद गुजरात में लोकेटेड है. ये कॉलेज कैट CMAT MAT के बेसिस पे लेता है. एडमिशन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है और इस कॉलेज को फिफ्थ पोजीशन पे रखने का रीज़न ये है क्योंकि लाइक फॉर एग्जांपल कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं है और रिटर्न एंड इन्वेस्टमेंट प्रॉस्पेक्ट से आप उसको देख सकते हैं. इनका जो फी स्ट्रक्चर है वो 5,85,000 के आसपास है और विद हॉस्टल आपको 8 लाख के आसपास पड़ता है और जो ये एवरेज क्लेम करता है वो 6.5 लाख के आसपास का है. तो उस प्रोस्पेक्ट से अगर हम देखें तो ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्ट से अच्छा है. जो सिक्स्थ पोजीशन पे कॉलेज आता है उसका नाम है शांति बिजनेस स्कूल. जो मैंने लास्ट कॉलेज आपको बताया वो एमबीए भी कराता है गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी से और पीजीडीएम भी कराता है, और जो 6 कॉलेज है शांति बिजनेस स्कूल वो सिर्फ और सिर्फ पीजीडीएम कराता है और 6 पोजीशन पे स्टैंड करता है। इनका फी स्ट्रक्चर 6 लाख के आसपास है, ऑलमोस्ट सारे एंट्रेंस एक्सेप्ट करता है और उस बेसिस पे प्लेसमेंट्स जो हैं वो 6.5 के आसपास रहते हैं। सो ये 6 पोजीशन का कॉलेज हो गया। अब 7 पोजीशन पर अगर हम बात करें तो कई सारे कॉलेजेस आते हैं, बट अब कॉलेजेस नहीं आते हैं, कई सारी यूनिवर्सिटी है जिसको स्टूडेंट्स थोड़ा सा प्रेफरेंस ज़्यादा देते हैं एमबीए के लिए क्योंकि उनका फी स्ट्रक्चर कम है। बट इनको पहले रखने का रीज़न क्या था, क्योंकि ये कॉलेज स्पेसिफिकली एमबीए और पीजीडीएम के लिए नोन है। सिर्फ गुजरात में नहीं, अगर हम इंडिया लेवल पे भी देखें तो आपको महाराष्ट्र से, एमपी से, छत्तीसगढ़ से, राजस्थान से भी स्टूडेंट्स मिल जाएंगे, तो ये थोड़ा सा नेशनली रिकोगनाइज है। अब जो हम 7th इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं वो है जो 7th पोजिशन पर इंस्टीट्यूट आता है, दैट इज़ गणपत यूनिवर्सिटी। काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है, ऑलमोस्ट सारे बेसिस पे एक्सेप्ट करती है और उसके अलावा आप चाहे तो आप डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं, इनका एप्लीकेशन 12 ग्रेजुएशन बेसिस पे अप्लाई करके। जो 8th पोजीशन पे कॉलेज आता है दैट इज़ पारुल यूनिवर्सिटी। अगेन ये यूनिवर्सिटीज़ हैं तो ये स्पेसिफिकली एमबीए के लिए उतनी नोन नहीं है, बट हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं हैं, तो अगर हम आरओआई के टर्म्स में बात करें तो आप फिर पारुल यूनिवर्सिटी को देख सकते हैं जो 8th पोजीशन पे आता है। जो 9th पोजीशन पे यूनिवर्सिटी आती है दैट इज़ अमरावती यूनिवर्सिटी। अगेन इसमें आप ग्रेजुएशन बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, आप एंट्रेंस बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। फी स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा नहीं है, 2.5-3.5 लाख के आसपास का फी स्ट्रक्चर होता है और एवरेज प्लेसमेंट भी जो है वो 3-4 लाख के आसपास का इन कॉलेजेस का होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगर हम 10th पोजीशन पे बात करें तो फिर कई सारे कॉलेजेस आ जाते हैं, जैसे आपको यहाँ वहाँ पे IBS मिल जाएगा, अमृत मोदी मिल जाएगा और भी कई सारे कॉलेजेस मिल जाएंगे जिनको आप टारगेट कर सकते हैं। एंड अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है यार, दिमाग में नहीं रखना है, नीचे नंबर दिया है वहाँ पर जाके कॉल, मैसेज और व्हाट्सएप करना है। अपार्ट फ्रॉम दिस आई नो दिस इज़ अ very, very crucial decision in your life when it comes to choosing a big school, so I'm all there to answer all your questions and queries. Let me know in the comment section और किस कॉलेज को रिव्यू करना है। And apart from it इसको शेयर करना नहीं भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए। So till then stay tuned. Are you an MBA aspirant and looking for every single information related to MBA? So what are you waiting for? Subscribe to this channel now and press the bell icon right next to it.